हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो सुबह के बजे हुए अभी 5:30 के समथिंग मैं उठती हूँ और उसके बाद फिर मेरा सीधा काम किचन से ही होता है। तो अभी बस सुबह की मैंने बनाने के लिए रख दी है चाय, और जब एक्स्ट्रा तो एक दो बर्तन होते हैं ना, तो फिर मैं उठा के इनको ऊपर रख देती हूँ क्योंकि नीचे बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो आज मुझे ये कढ़ाई की ज़रूरत थी क्योंकि मुझे बनाना था आज लंच में बच्चों के लिए सूजी का हलवा। और सच में बच्चों की वजह खाने की वजह से तो मैं इतना परेशान हूँ, समझ में नहीं आता है बच्चों को क्या ऐसा दूँ खिलाऊँ जो अपना टिफ़िन ये ख़त्म करके आए, क्योंकि टिफ़िन कभी नहीं खा के आती है। पराठे वगैरह भी अभी उनको उतना अच्छा नहीं लगता क्योंकि डेली एक ही चीज़ दो ना, तो बच्चे खाते भी नहीं हैं। पर सबसे बड़ी समस्या क्या है कि सब्ज़ी नहीं खाती हैं, वही मेरी सबसे बड़ी समस्या है। उस चीज़ को मैं अभी नहीं कर पा रही हूँ कि किस तरीके से बच्चों को सब्ज़ी खिलाया जाए। तो बस मैंने सूजी को भूनने के लिए रख दिया और साथ ही चढ़ा दी थी चाय। दोनों काम एक साथ हो जाएंगे, चाय बन जाएगी पापा जी के लिए और हलवा बन जाएगा बच्चों के लिए। अपनी चाय तो आप लोगों को पता ही है, मैंने बता भी रखा है कि मैं थोड़ा लेट से पीती हूँ जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं, उसके बाद थोड़ा सा आराम से, क्योंकि सुबह ना ये टाइम इतना भागा दौड़ी वाला होता है ना बहुत ज़्यादा। तो यहाँ इसको मुझे भूनते हुए 7-8 मिनट हो गए थे और मैं ना बिना घी डाले पहले ही इसको भूनती हूँ क्योंकि थोड़ी सी जल्दी भून जाती है। अगर घी डाल के भूनो तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इस वजह से मैंने बाद में फिर इसमें घी डाल दिया और इसको फ्लेम को ऑफ कर दिया था क्योंकि ये जलने लगी थी थोड़ी सी, इसको धीमी धीमी पर करना पड़ता है इस वजह से। और इसमें मैंने डाल दिया पानी और साथ ही चाय बन गई थी, तो चाय को भी मैं छान लूँगी। और अभी फिर मैं इसमें थोड़ी सी चीनी डाल दूँगी, ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल दो, लेकिन फिर क्या है बच्चे निकाल निकाल के रख देते हैं, तो वो भी कुछ नहीं डाला, बस सिंपल चीनी घी का देसी एकदम सिंपल सा हलवा बन जाएगा। और डेली सुबह की सबसे ज़्यादा मेरी यही टेंशन होती है, मैं सोचती हूँ आज टिफ़िन में क्या बनाऊँ। एक दो चीज़ें हैं जिनको थोड़ा अच्छे से खाती हैं, एक आलू का पराठा है या फिर ये हलवा वगैरह भी थोड़ा खा के आ जाती हैं, बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं, कभी कभी खाती हैं, कभी टिफ़िन जैसे कि तैसे ही लौट के आ जाता है। तो बस इसको थोड़ा सा थिक और करूँगी, थोड़ा सा इसको गाढ़ा करूँगी, क्योंकि वैसे रखना चाहो तो ऐसा भी रख सकते हैं, लेकिन नहीं, मुझे इस तरीके से करना है कि ठंडे होने के बाद ये बर्फ़ी की शेप में आ जाए, बिल्कुल कट के इसके पीस निकल जाए, क्योंकि फिर टिफ़िन में रखने में भी आसानी होगी और बच्चों को खाने में भी अच्छा लगेगा, और थोड़ा सा अगर गीला हुआ तो उनको खाने में भी अच्छा नहीं लगेगा। और सुबह से ही बस मैंने आज सोचा था चलिए आपके साथ थोड़ा बहुत शेयर करती हूँ मॉर्निंग का रूटीन अपना। तो बस यहाँ पर बच्चों के लिए ले जाऊँगी दूध और उसको मैंने बना के रख दिया है ठंडा होने के लिए, और इसके बाद फिर बच्चों को नहलाया, तैयार किया, टिफ़िन मैंने जल्दी तभी बना दिया था। अभी बज गए हैं 7 और अभी जाएंगे बच्चे, तो ये यहाँ पर घास खा रहा था, ऐसे बच्चे इसको भगाने लग गए। फिर आने के बाद मैंने दोबारा से चाय रख दी थी, और इसके बीच में भी मैंने काफ़ी सारा काम किया था, मतलब काम किया, बच्चों को तैयार किया था, उनको नहलाना, और उनका ही काम हो जाता है 1 घंटे में कम से कम मुझसे होता है। तो बस इसी बीच अभी मैं जब चाय खोलने लग गई थी ना, तो उसका थोड़ा सा धीमा करके और आ गई हूँ यहाँ रूम में, थोड़ा सा बिस्तर वगैरह बना दूँगी क्योंकि साथ के साथ चाय में मुझे कोई टेस्ट नहीं आता है, थोड़ी सी ज़्यादा नहीं, 2-4 मिनट तो कम से कम वो उबल जाए तब थोड़ी सी अच्छी लगती है। तो बस या तब तक वो खोल जाएगी, तब तक मैं अपना रूम सही कर लूँगी, और थोड़ी सी अभी क्या है मेरे काम में थोड़ी सी हेल्प हो जाती है क्योंकि जो मेरी छोटी ननद आई थी ना, अभी वो रुकी हुई हैं घर पे ही हैं यहाँ पे, तो एक दो काम वो भी करा देती हैं, तो थोड़ी सी मेरी हेल्प हो जाती है, अब मेरा काम उतना लेट नहीं होता है जितना होता था। तो बस यहाँ पर भी इस पर डाल दूँगी धुली हुई बेडशीट, मैंने उस बेडशीट को हटा दिया था जो इस पर डली हुई थी धोने के लिए, और दूसरी वाली फिर मैंने इसको बिछा दिया है इस पर, और यहाँ पर सारे कपड़ों की तह वगैरह लगा दूँगी। और डेली सुबह से मतलब ये चीज़ें ना तो गिनती में आती हैं, ये छोटे मोटे काम, और काम उतने सारे होते हैं कि 11-12 तो बजते ही हैं बच्चों के साथ ना, बाकी सारी चीज़ें इंसान भूल जाता है कि क्या हमारे शौक हैं, क्या अपना, सब कुछ भूल जाता है। तो यहाँ पे सब्जी में आज बन रही थी सब्जी बैंगन और आलू की, तो बस मम्मी यहाँ पे लेके बैठ गई थी काटने के लिए, और मैं अभी चल के छान लेती हूँ अपनी चाय, तो अभी हम सब लोग बैठ के पियेंगे चाय। और अभी काम में तो उतना देर नहीं होता है हम लोगों को क्योंकि काम के लिए तो हम 3 लोग हैं,
मम्मी है और मेरी ननद है, मैं हूँ। लेकिन क्या होता है, जब भी हम बैठ जाते हैं ना चाय वगैरह पीने बैठ जाते हैं, तो उसी में काफ़ी देर बैठे रह जाते हैं, तो बातों में हमारा टाइम ज़्यादा जाता है जितना काम में नहीं। तो बस यहाँ से अभी रूम की भी झाड़ू वगैरह निकाल के लेके आ गई हूँ, अभी बाहर की भी झाड़ू निकाल दूँगी। और तब तक मम्मी या तो सब्ज़ी को मम्मी छोंक देंगी या फिर मेरी ननद छोंक देंगी, क्योंकि सुबह की सब्ज़ी ज़्यादातर यही लोग बनाते हैं, क्योंकि सुबह की सब्ज़ी जल्दी बनती है और तब तक मेरा काम नहीं हो पाता है, क्योंकि मैं भी बच्चों को भेजती हूँ। तो ज़्यादातर मैं रोटी बनाती हूँ, सब्ज़ी बहुत कम सुबह की मेरा नंबर आता है बनाने का, क्योंकि सब्ज़ी तब तक उनके टिफ़िन की वजह से बना दी जाती है थोड़ा सा जल्दी। तो यहाँ पे आटा लगा के बैठ गई हूँ रोटी बनाने के लिए, और आज काफ़ी दिनों के बाद मुझे लग रहा है आपके साथ में शेयर भी कर रही हूँ, क्योंकि एक तो व्लॉगिंग भी ऐसे ही हो पा रही है, कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आता है क्या करूँ क्या नहीं करूँ। फिर आप लोगों का ख्याल आता है कि चल कोई नहीं, जितने भी हैं जो भी हैं मेरे व्यूवर्स हैं, और वो फिर मुझे काफ़ी होता है ना कि जब आप डेली किसी की लाइफ को देख रहे हो तो आपको फील होता है कि क्यों नहीं आ रहे व्लॉग, क्यों नहीं आ रहे। तो इस वजह से मैंने सोचा कोशिश करती हूँ, जितना हो जाएगा उतना ठीक है, आप लोगों का ये प्यार मेरे लिए बहुत है। तो बस खाना मेरा लगभग सारा बन चुका है, देखिए रोटियां पूरी मैंने सेक ली हैं, बस लास्ट वाली और बची है। तो बस रोटियां सेक के चलते हैं अभी किचन की तरफ, और अभी तो काफ़ी सारा मतलब काम पड़ा है, काम तो वही ख़त्म होता है 11-12 बजे तक। और अभी मौसम भी थोड़ा सा ना गर्म ही बना हुआ है, अभी थोड़ा सा ठंडापन नहीं आया है, वैसे तो सितंबर लगभग हो गया, सितंबर लग ही गया, लेकिन फिर भी अभी मौसम में गर्मी काफ़ी है। खाना बनाने में, चूल्हे पर खाना बनाने में तो और ही हालत ख़राब हो जाती है, खाना तो देखिए गैस पे बना हो या चूल्हे पर, गर्मी तो बराबर लगनी है, लेकिन थोड़ा सा चूल्हा क्या है तेज जलता है तो ज़्यादा लगती है। तो बस यहाँ पे मैं लगा दूँगी घी रोटियों में और इनको ढक के रख दूँगी, इसमें बंद कर देंगे तो काफ़ी टाइम तक गर्म रहती हैं, क्योंकि साथ के साथ तो ज़रूरी नहीं है सब लोग खाएँ, ज़्यादातर खाना सब लोग नहा के खाते हैं हमारे घर में, तो नहाने के बाद ही सब लोग खाते हैं, जब जिसका काम होगा वो नहाने के बाद तभी खाएगा। और उसके बाद फिर मैं लेके बैठ गई थी सारे बर्तन, क्योंकि आज खाना बनाने से पहले बर्तन नहीं धुले थे, खाना ना जल्दी बना था, 8 बजे तो मैं लग गई थी रोटियां बनाने के लिए। तो बर्तन तो सुबह का कुछ पूछो ही मत कि क्या होते हैं, आप लोग देख ही रहे होंगे कि कितने सारे हो जाते हैं, बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं इस टाइम के। तो बर्तन धोने के बाद अभी यहाँ से झाड़ू पोछा पूरा कर दूँगी, किचन का पूरा यहाँ से क्लीनिंग कर दूँगी, और फिर उसके बाद कपड़े धोना बाकी रहेगा, और बाकी के सारे काम लगभग मेरे हो चुके हैं। अभी आ गई थी मैं यहाँ पर रूम में, और यहाँ पे लगा दूँगी मैं थोड़ा सा पोछा, और पोछा लगाने से पहले जो भी जितना भी फर्नीचर है जितना भी सामान है, अगर उसको ना पोछो ना तो फिर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कितना भी कर लो या झाड़ू वगैरह लगाते हैं तो धूल मिट्टी हो ही जाती है थोड़ी बहुत इसमें भी। तो बस यहाँ पे भी सारे पहले एक बार थोड़ा सा इस कपड़े को भिगो के, और मैंने टाइट सा इसको निचोड़ लिया है, क्योंकि ना तो सूखे कपड़े से साफ़ होते हैं ये अच्छे से, और ना ज़्यादा गीला हो तो ज़्यादा गीले से भी साफ़ नहीं होते हैं। तो बस एक एक बार सब में घुमा दिया है और सारा कुछ पोंछ दिया है, और पोंछने के बाद अभी बस मैं यहाँ पे लगा दूँगी पोछा, और किचन का मैं काम पूरा कर चुकी हूँ, किचन का मेरा पूरा हो गया क्लीनिंग वगैरह, बस यहाँ से करने के बाद फिर धोऊँगी कपड़े और फिर मुझे नहाना है, बस इतना काम मेरा बाकी है। सुबह से ना फुल स्पीड में काम करते हैं तब जाके कहीं हो पाता है, और थोड़ा बात वगैरह करने बैठ जाएँ तो लेट ही हो जाते हैं। और ये मेरा खाना सिंपल सा रायता सब्जी रोटी, और हलवा थोड़ा सा बचा हुआ था बच्चों के टिफ़िन से बच गया था, और तो बस अभी मैं खाऊंगी यहाँ पर खाना, नहा धो के मैं आ चुकी हूँ, थोड़ा सा टीवी ऑन किया था, वैसे मुझे उतना कोई शौक नहीं है, कभी कभी मैं देखती हूँ, लेकिन आज मैं ऑन करके बैठ गई थी तो यहाँ पे समाचार चल रहे थे, जिसमें आदित्य जो मिशन का था ना जो लॉन्च किया गया, तो बस वही सारी चीज़ें देख रही थी। कभी कभी ध्यान रहता है, कभी कभी ध्यान भी नहीं जाता इन चीज़ों की तरफ, टीवी वगैरह न्यूज़ वगैरह देखते रहो, वैसे मैं कभी ना कभी थोड़ा बहुत तो देखती रहती हूँ। तो बच्चे आ गए थे, दोपहर का समय था, मैं खाना खा के ना थोड़ी सी देर लेट गई थी, अभी बज गए हैं 2:30 या 3 बज गया होगा, लेकिन मैंने सोचा चलिए आलस छोड़िए, डेली आलस करते ही रह जाते हैं, कुछ तो बच्चों के ये कपड़े हैं, बच्चों के क्या दिव्या के कपड़े हैं, ये पता नहीं क्या करती रहती है, सिलाई वगैरह इनकी निकाल ही लेती है, और ये सारे जितने भी हैं ना सारे सूट वगैरह मैंने ही सिले थे, जो आपने
मैंने वैसे देखा देखा भी होगा शायद वीडियो में, लेकिन मैं कुछ ना कुछ ऐसा करती रहती हूँ। ये येलो कलर का एक वीडियो में मैंने पहना, मेरा ही सूट था, लेकिन इसमें से नायरा कट ना इसके लिए बना दिया। और ये सारी चीज़ें मैं थोड़ी बहुत जब मुझे टाइम मिलता है ना तो मैं करती रहती हूँ। तो बस इनमें सिलाई वगैरह मुझे लगानी है, क्योंकि कहीं कहीं से इनकी सिलाई वगैरह निकल गई है, तो बस वही सारी चीज़ें करूँगी। अभी तो लेके बैठ गई थी मैं यहाँ पर मशीन, और अभी समय तो हो रहा था 3 बज रहे थे, और मॉर्निंग के 5:45 बजे से ये वीडियो चल रहा है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी और मिलूँगी आप सभी से नेक्स्ट एक अच्छे से वीडियो ब्लॉग के साथ में। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं अपनी राय। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। तो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।